एट माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एंड बी सेफ गाइस। आप लोग सेफ्टी से अपना ध्यान रख के ही खेलना और अच्छे से दिवाली मनाना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ी सी वीक दिख रही हूँ, इसलिए गाइस आज मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सुबह से मैं काम कर रही हूँ सुबह से, और आई नो कि आप लोग भी काम कर ही रहे होंगे क्योंकि दिवाली ही है भाई, तो दिवाली में तो आप जितना भी काम कर लो कम ही लगता है, और दिवाली के दिन तक ही काम रहता है। ये नहीं कि हाँ दिवाली का काम हो गया तो ख़त्म हो गया, दिवाली के दिन काम नहीं है, दिवाली के दिन तक काम रहता है। आई नो कि आप लोग भी घर में काम है, और मैं सुबह से कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे को भी मैंने छुट्टी दे दिया था कि आज दिवाली है, इसलिए तो मैं सोची चलो मैं सब कुछ कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ घर को डेकोरेट करने के लिए, तो बाकी सुबह मैंने जब उठा तो सब कुछ मैंने अपना झाड़ू वाड़ू लगा लिया एंड घर वर मैंने धो लिया है, और मैंने खाना भी बना लिया है, खाना भी खिला दिया, और बाबू को मैंने नहला के सुला भी दिया है। एंड अब मैं जा रही हूँ घर को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि अभी शाम का ना मतलब 3 या 3:30 बज रहा होगा गाइज, और आप लोगों को लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है। तो यस गाइज, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑफकोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, बट मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर काम नहीं हो पाएगी, और काम नहीं हो पाएगी ऊपर से फिर लेट हो जाएगा पूजा करने में, कुछ डेकोरेट नहीं रहेगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर से अपना रूम को डेकोरेट करनी है पूरा लाइटिंग वगैरह से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब पूरा लाइट वगैरह सब जगह लाइट चलते रहे, मुझे बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना गाइस कि अगले साल मैं दिवाली मना नहीं पाई थी, क्योंकि अगले साल जो था मेरी बेबी हुई थी दिवाली के टाइम ही, तो मेरी जब बेबी हुई थी ना तो दिवाली के जस्ट 6-7 दिन पहले हुई थी, मतलब धनतेरस के लगभग सेट हुई थी, धनतेरस के 2-3 दिन पहले आई थिंक। और दिवाली के दिन मैं घर पर आई थी, मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई ना, तो दिवाली के दिन मैं घर पे आई थी, तो उस टाइम तो आप सोचो कि दिवाली मैं नहीं मनाई पाई, ना के बराबर ही आप समझो। और इस टाइम मैं अपनी मम्मी के पास भी थी पटना में, तो इस बार मैं अपने घर में हूँ और अभी मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। तो मैं सोची मैं इस बार बहुत ही अच्छे से दिवाली मनाऊँगी, एंड इस बार ना थोड़ी कोरोना मतलब पहले से कम भी है, तो मैं सोची कि चलो कोरोना मतलब जैसे होता है ना कि कोरोना के टाइम में हम लोग इतना अच्छे से दिवाली भी नहीं मना पाए थे, बट इस बार मैं दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाना चाहती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी को मैं बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना लक्ष्मी जी का ये फेस्टिवल है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं मनाना चाहती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। और अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी डेकोरेट करूँगी और खाना भी बनाना है शाम का। अभी मुझे रंगोली भी बनानी है, और यहाँ देखिए गाइस मैं बस अभी थोड़ा मतलब नहा वहा के उसके बाद मैंने खाना वाना खिला के बस बैठी हूँ, और जस्ट मैं आप लोगों के सामने सोची चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगर आप सुबह से वीडियो में स्टार्ट कर लूँगी ना, ऊपर से मैं अकेले अकेले काम भी कर रही हूँ और सब कुछ मैनेज भी करना है, और अगर मैं वीडियो बनाना सुबह से स्टार्ट कर लूँगी ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है, तो बहुत लेट से मेरा काम होता है, इसी कारण मैं सोची चलो मैं शाम से वीडियो स्टार्ट करती हूँ एंड देन मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और मेरे बाबू यहाँ पे सोए, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बाबू इस रूम में सोई हुई है, इस रूम को लाइट ऑफ कर दी थी, सोइए देखिए। तो यहाँ पे सो गाइस, यहाँ पे मेरी बाबू सो चुकी है, और मैं फटाफट काम लूँ एंड मैं फटाफट काम कर लूँगी, सो चलो मैं काम कर लेती हूँ फटाफट। सो गाइज, मैं अपने रूम में आ गई हूँ ये देखिए डेकोरेट करने के लिए, और ये पूरा मैं लाइट लगा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब जितना हो सके मैं उतना लाइट लगा लूँ, जितना मतलब ये मतलब 10 भी हो ना तो वो भी लग आई थिंक मेरे लिए कम हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। और ये देखिए गाइज, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड जो है ना मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी इसका फिनिशिंग वर्क भी है गाइज, और ये पेड़ बना हुआ है इसमें, और मेरे बाबू भी उठ चुकी है और चिल्ला रही है, सो मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए गाइज। ये देखिए बाबू उठ गई, मैं आप लोगों को बोली थी ना कि 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं सोती, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले इसको सुलाया था, एंड ये देखिए उठ चुकी है और हम वो देख रही है, कैसे देख रही है, मैं उसका वीडियो ले रही थी तो सो चलिए अब इसको लेके ही हम लोग काम करते हैं, एंड ये देखिए फटाफट आ गई मेरे पास।
और चलो ठीक है, कोई नहीं, कर लूँगी धीरे धीरे, क्योंकि बाबू जब जगी रहती है ना तो उस पर मतलब जैसे होता है ना सारा लाइट वगैरह, आई नो कि वो देखेगी लाइट लगा हुआ है तो सारा छू छा करेगी पूरा सामान, और मेरे को काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बट कोई नहीं, चलो करते हैं, बाबू को भी लेके काम करते हैं। एंड ये देखो मैंने बोला था ना आप लोगों को ये लाइट ले लेगी, एंड चलो मैं यहाँ पे लाइट लगा रही हूँ, और बाबू को बार बार देख भी रही हूँ कि वो कुछ ले तो नहीं रही है, क्योंकि उसके पास है ना आप एक बार सिर्फ पलक झपकाओ और वो कुछ ना कुछ अपने मुँह में ले लेगी, बस ऐसा है। वो बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ मतलब ऐसा ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अपने मुँह में नहीं लेती, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इस एज में जब बच्चा आता है ना, मतलब 1 साल को होने का जब आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ता है, क्योंकि कब वो क्या कर ले मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड वो बाबू का ना घर था गाइस, ये देखिए मैं यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए आ गई, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी रंगोली क्योंकि बाबू है वो सब जगह चलती रहती है, तो फिर बेकार में उठा के मतलब जैसे होता है ना चाटने लगेगी चाहे कुछ खाने लगेगी, इसी कारण मैं इस साइड एरिया में बनाई, मेरे रूम के ही अंदर ही गेट है तो मैं ये बालकोनी के साइड ही बनाई थी, तो फटाफट मैं सोची चलो मैं उसको भी बना लेती हूँ। एंड मैं अभी ना ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा अपने हाथों से, इसी तरीके से बनाती हूँ, और ना मुझे ऐसे बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये आप सोच रहे हो अबीर है, तो अबीर नहीं है गाइस, ये रंगोली बनाने वाला, हमीर ने बोला कि रंगोली बनाने वाला मिल रहा था तो मैं सोचा वही लेके आ जाता हूँ, बट मैंने तो अबीर ही मंगवाया था क्योंकि हमेशा ज़्यादा करके मैं अबीर से ही बनाती हूँ इसलिए। एंड फाइनल मेरा बन चुका है गाइस, मैंने अपने घर को रेडी कर लिया और सजा दिया अपने घर को, और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, आप लोग को मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है। तो ये देखिए गाइस, वहाँ पे मैंने लाइट लगाया है, एंड यहाँ पे अपने बाबू का घर सजा दिया है, एंड वहाँ पे भगवान जी का पूजा होगा वहाँ पे, तो इसलिए मैंने अभी उस एरिया को नहीं सजाया है, अभी मैं नहा के आऊँगी उसके बाद में उस एरिया को सजाऊँगी। तो आप ये देखो वहीं पे पूजा होगी, इसलिए मैंने फूल कमाला वाला जैसे होता है मेरे को दीवार में मैंने चिपकाया है टेप से, सेलो टेप से, और क्योंकि वहाँ पे मैं ना काटी नहीं मतलब ठोक सकती थी, अच्छा नहीं लगेगा ख़राब हो जाएगा इसलिए, तो मैंने वैसे टेप से कर दिया है उसको फिलहाल के लिए। एंड ये देखो, एंड वहाँ पे भी मैंने लाइटिंग लगा दिया है, और कहाँ गया, एंड वहाँ मेरा ड्रेसिंग टेबल के पास भी मैंने लाइट लगा दिया है, तो फाइनली मेरा ये एरिया कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे मेरा हम लोगों का पूजा होगा, एंड वहाँ मैंने रंगोली बना दिया है, और यहाँ देखो सारा सामान रखा हुआ है पूजा का गाइस, क्योंकि यही एरिया है जहाँ पे बाबू नहीं आएगी छूने के लिए, इसलिए इस एरिया में अभी सारा पूजा का सामान रखे हुए हैं, और मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए क्योंकि मैंने खाना भी बना दिया है गाइस, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि खाना मैंने एक नहीं मतलब 2-3 आइटम हम लोगों को बनाया है, और मैं और मेरे हबीब दोनों मिल के बनाए हैं, ऑफकोर्स कि अकेले नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी आई थिंक कि शाम को कितना टाइम हो गया है मैं भी खुद नहीं देखती हूँ, शाम का 6:30 बज चुका है गाइस, और मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, आप लोग से मिलती हूँ सीधे पूजा के टाइम, और आप लोग भी जान ही रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे चेहरे से लग रहा होगा ना आप लोगों को, तो चलो आप लोग से मिलती हूँ मैं पूजा के टाइम। सो गाइस मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, और अभी गए हैं पानी लाने के लिए छत से, छत पर हम लोगों का पानी आता है, एंड चलो पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो चलो पूजा करते पहले, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो फाइनली गाइज हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए हैं, और अभी आई थिंक कि आपको पता है मैं हम लोग कितने बजे बैठे, 8 बजे बैठे पूजा करने के लिए, और अभी वहाँ पे ना गंगा माँ को ना दिया निकाल रहे थे, पहले गंगा माँ को दिया निकाला जाता है उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं, और ये देखिए पूजा करने में तो आई नो कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, हम लोग सोचते थे 6 बजे तक पूजा मतलब 6 बजे से स्टार्ट कर देंगे, बट 8 बज गया था गाइज, 8 बजे हम लोग पूजा स्टार्ट कर रहे थे, और आप सोच रहे होंगे हबी कर रहे हैं, तो हमेशा हर एक साल हबी ही करते हैं, बट मैं उनके पास बैठी रहती हूँ, मैं उनको सारा सामान देते रहती हूँ, बट बाबू बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, बोला जाता है ना कि जब काम रहता है तभी बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोता है, तो जस्ट गाइस बाबू उसी टाइम बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी, कुछ करने ही नहीं दे रही थी, तो मैं उसको लेके खड़ी थी एंड वीडियो भी ले रही थी, सो सोचा कि चलो कोई नहीं वीडियो तो ले रही हो ना आप लोगों को दिखा रही हो ना, और ये देखिए फिर मैं बाबू को यहाँ बैठा दी, उसको चॉकलेट दे दी, एंड हबी को कुछ काम था तो फिर मैं उनको सामान दे दी, और यहाँ पे चलिए पूजा स्टार्ट हो गया, और बाबू का ये घर देखिए, बाबू का ये पहला घर है, घर जिसको घर कोंदा बोलते हैं, और जो
चुलिया चुका भरा जाता है ना शायद वो है, क्योंकि मैं बचपन में भरती थी बट मुझे मालूम नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं कैसे किया जाता है। चलो पूजा करने के बाद देखती हूँ। एंड ये देखिए गाइस मेरे भगवान जी को कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर बताना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। और एक खास चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि जब मार्केट गई थी ना उसके दूसरा दिन भी मैं मार्केट गई थी मूर्ति लाने के लिए, क्योंकि हबी को थोड़ा सा बिजी थे वो, तो मैं बोली कि मैं ही जाती हूँ मूर्ति ला देती हूँ, तो मैं मेड के साथ चली गई थी मूर्ति लाने के लिए। एंड हबी भी दिवाली के दिन अब मूर्ति लेके आए, तो वो मूर्ति लेके आए अपने गोदाम के लिए और मैं लेके आई थी अपने घर के लिए। और आप लोगों को पता है गाइस हम दोनों सेम मूर्ति लेके आए, जब हम लोग घर पे आए ना जब ओपन किए ना तो मतलब आपको क्या बताऊँ, मतलब हम लोग एक दूसरे के चेहरा ही देखने लगे कि तुम भी वही मूर्ति लेके आए हम भी वही मूर्ति लेके आए, बस फर्क इतना था कि वो मेरा वाला बड़ा था थोड़ा सा मूर्ति और उनका छोटा था थोड़ा। और पता है माला भी जो माला पहनाया जाता ना मूर्ति का वो भी माला सेम था, मतलब सब कुछ सेम था गाइस, मतलब मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ गया कि ये देखो सब कुछ सेम है। एंड यहाँ बाबू का मैं जो कि भर रही हूँ गाइस तो ये देखिए। एंड यहाँ पे ना अपने बाबू का फ़ोटो ले रही थी गाइज बट वो फ़ोटो लेने ही नहीं दे रही थी और ये ना सारा चुका उठा के ना खाने लग रही थी, सो सोचा छोड़ो इसको खाने दो। और यहाँ देखिए गाइज मेरी लाइटिंग को कैसा लग रहा है, और यहाँ मेरा चुका को देखिए, चुका भी मैंने खरीदा हुआ है क्योंकि हमेशा हम लोग दिवाली में ही खरीदते हैं। हम लोगों का पूजा हो चुका है आप लोगों ने तो देख लिया है, और पता है अभी रात का 12 बजने वाला है और हम लोग खाना भी खा चुके हैं और मैं इंस्टा पर रील भी बनाने के लिए आ गई। ये देखो इधर मेरा कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे हबी हैं। सो अभी बोल दो सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस मेरे आज हैप्पी, मतलब मेरे अभी भी आज आप लोगों को हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। सो अगेन हैप्पी दिवाली गाइस आप लोगों को, और अच्छे से खेलना। और यहाँ देखिए मेरी बेबी को गाइस आप लोग भी बताना आप लोग कैसे पूजा किए हो, मतलब कैसे पूजा नहीं क्या क्या किए हो दिवाली में। और मैं एंड मुझे पटाखा इतना जलाना पसंद नहीं है, मतलब मैं दिखना पसंद करती हूँ कुछ जलते हुए बट मैं जलाना मतलब जैसे होता है मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है गाइस। सो अभी मैं जा रही हूँ छत पे पटाखा जलाने के लिए, मेरा इंस्टाग्राम रील बन चुका है एंड चलो मैं जाती हूँ छत पे और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो चलो तो गाइस छत पे जाने से पहले मैं सोची ना कि चलो प्लांट एरिया में भी मैं दिया को रख देती हूँ, और ऑलमोस्ट 12 बज ही चुका था गाइस। और पता है बाबू अभी तक जगी हुई थी और मैं सोची चलो बाबू का ना फोटो ले लेती हूँ एक दिवाली का, मतलब छुरछुरी के साथ। तो मेरे अभी छुरछुरी उसको दिखा रहे थे जलाकर ना, तो बोले कि तुम भी आओ, तो मैं बोले क्या बच्चों जैसा हरकत कर रहे हो, मतलब हंसी आ गया मुझे बहुत ही ज़्यादा, बट कोई नहीं अच्छा लगता है बच्चों बच्चे बनना भी अच्छा लगता है। और ये देखिए गाइस बाबू बहुत ही ज़्यादा डर भी रही थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी, वो छू नहीं रही थी बिल्कुल, उसको बार बार उसको देने का कोशिश कर रहे थे मेरे अभी बट वो छू ही नहीं रही थी, उसको डर लग रहा था। एंड यहाँ देखिए गाइस मैं भी जला रही हूँ, मैं भी बोली कि मैं भी जलाऊंगी, पता ना थोड़ा सा जलाने के बाद लगता है कि नहीं मैं भी जलाऊंगी, तो मेरे का भी मन कर दिया तो मैं सोची चलो। और तो ये देखिए गाइस मैंने जला लिया और बाबू भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, और पता है क्या उसको थोड़ा थोड़ा ना डर कम हो रहा था, उसको भी लग रहा था कि मैं मतलब मैं लूँ, और वो धीरे धीरे ना वो पकड़ भी रही थी। सो हम लोगों का तो इस तरीके से मना गाइस दिवाली, आप लोगों का कैसा मना आप लोग भी मुझे बताना। और ये मेरा बेटी का फर्स्ट दिवाली था और यहाँ पे मैं कैंडल जला भी दे रही हूँ, मैं सोची कि चलो मैं छत पे चली जाऊँगी फिर मैं कैंडल नहीं जला पाऊँगी मतलब नीचे प्लांट एरिया में, तो मैं कैंडल भी यहाँ पर जलाने लगी। और टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका था गाइस, 12 बज चुका था, ऑलमोस्ट 12 बज ही चुका था, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। और चलो मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में यानी कि छत पर। Oh,
इसको ऐसे मुझे याद था। एंड यहाँ देखो मेरे बाबू को, ये भी सोई नहीं अभी तक, ये देखिए कितना हंस रही है, ये कितना खुश है। एंड अभी ये उड़ाने वाले हैं, ये देखिए गाइस। सो और पता है आप लोगों को, हमेशा हम और मेरे हस्बैंड ही उड़ाते थे, और इस साल तो मेरी बेटी भी है। छोटी इधर आ जाओ, अब किस चीज का वेट कर रहे हो, उड़ाओ भाई। सो गाइस, ये बिल्ली से डरती है, इसी कारण मैं इसको बिल्ली बिल्ली बारे में बोल रही हूँ। एंड ये देखिए थोड़ी सी हवा कम हो गई, इसीलिए उड़ नहीं पा रही अच्छे से आई थिंक, बट ये पूरा जल जाती है ना तो अच्छे से उड़ती है, उड़ती है या उड़ता है। मैं भी ना सो चलो, नहीं 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 इस व्लॉग को मैं यहीं पे इन करती हूँ। एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों ने देखा ना कि छत पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और पता है क्या, मेरा एक ही बार में ना ऊपर चला गया, एंड हबी का ऊपर गया भी तो थोड़ा दूर पे जाकर ना नीचे गिर गया, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गया। और पटाखा हम लोग इतना नहीं जलाते हैं, बस कुछ कुछ ही पटाखा हम लोग जलाएं, जैसे कि चरखी, जो चरखी बम होता है वो, एंड छुरछुरी बस, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं ज़्यादा नहीं करते हैं इसलिए। और बाबू भी थी तो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी पटाखों से, इसी कारण ज़्यादा हम लोगों ने पटाखा नहीं जलाया। और अब जाती हूँ गैस बाबू को भी सुलाती हूँ, क्योंकि पता है क्या, एक बजने को आ रहा है और ये लड़की अभी तक नहीं सोई है, मतलब वो भी हम लोग के साथ मतलब सोएगी। सो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, एक प्यारा सा व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, एंड बी सेफ गाइस, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे गाइस, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। सो चलो अभी के लिए बाय गाइज़।